चलो आज इंस्टॉल करते हैं अपना सेना 50R को ये क्लाइम क्रायस प्रो हेलमेट में। ये क्लाइम क्रायस प्रो में एक आता है सेना 10U, वो वाला पूरा इसमें फिट हो जाता है, दिखता भी नहीं, पूरा नाइसली इंस्टॉल हो जाता है। बाकी वो वाला मैंने ऑर्डर नहीं किया कि मेरे को पूरा लेटेस्ट वाला मॉडल चाहिए था, सो आई ऑर्डर द 50R। बेसिकली वी हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ 50S बट आई नीडेड द 50R। इसका मैं एक दिन डिफरेंस करके आपको बता दूंगा कि सेना 50S एंड 50R का क्या डिफरेंस है। सो जस्ट इन केस इफ समवन इज लुकिंग टू बाय 50S और 50R, आई हैव प्लेस्ड ऑल द लिंक्स बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अभी हमारे पास बहुत ही कम स्टॉक है 50S एंड 50R, अगर आपको चाहिए इमीडिएट जाके ऑर्डर करो एंड वी विल शिप इट इन 3-4 वर्किंग डेज। चलो अभी इसे खोलते हैं पहला, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है एंड इसको कैसे क्या इंस्टॉल करना है। सो दिस इज हाउ द बॉक्स ऑफ द सेना 50R लुक्स लाइक। यहाँ पे उसका पूरा इमेज दिया हुआ है, सेना 50R इंस्ट्रक्शंस। अभी अंदर में क्या क्या आता है देखते हैं पहले, अंदर में क्या क्या आता है। ओके सो बॉक्स खोलने पे सबसे पहला 50R अपना, इसको स्ट्रेट लेके इसको हेलमेट में लगा देंगे। इसको कैसे क्या लगाना है सब इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मैनुअल होगा, पढ़ के एक बार इंस्टॉल करेंगे। और क्या क्या डब्बा के अंदर आता है वो भी देख लेते हैं। एक मोटा वाला मैनुअल आता होगा पक्का, क्योंकि इसमें जितना फीचर्स है इसको पढ़ने के लिए पक्का बहुत टाइम लगेगा। सो वी आर गोइंग टू नीड द मैनुअल। इसके अंदर आपको बाप रे बाप इतना सारा मैनुअल बुक मैनुअल है, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है, उसके बाद बहुत सारा पेज एक्चुअली है, उसको एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं और क्या क्या आता है ये डब्बा के अंदर। वो यहाँ तो बहुत सारा आइटम दिया हुआ है। ये हो गया अपना मेन वाला स्पीकर जो कि अंदर लगेगा। ये हो गया स्पीकर का जो साइड वाला जो बुश जो कि हेलमेट के साइड में आपको लगाना है, उसके बाद इसको स्टिकर को लगाना है, मतलब स्पीकर को। ये हो गया अपना माइक जो हेलमेट में आगे जाके लगेगा, वो यही वाला मैं लगाऊंगा। उसके बाद ये एक्सटर्नल किसका, अगर मॉड्यूलर हेलमेट है तो फिर उसको ये वाला माइक लगाना पड़ेगा, जो कि मतलब ये ऐसे कुछ रहेगा, इसके सामने ये इसको लगाना है। सो एनीवेज वी आर नॉट यूजिंग दिस, सो जिसको हम यूज़ नहीं करें उसको अंदर रख देते हैं। इस पर ये जो दिया हुआ है जिसको मतलब इसमें 50R का एक बेस्ट है, ये वाला डायरेक्ट आप मतलब कहीं भी सटा सकते हो कोई भी हेलमेट में, बट अगर आपको और थोड़ा परमानेंट सेटअप चाहिए आप इसको भी लगा सकते हो। ये वाला उसके साथ डब्बा में ही आ जाता है, तो हम इसको वाया की डायरेक्ट लगा देंगे। ये डायरेक्ट वाला उसका वेलक्रो का दे दिया है 3M का स्टिकर्स। उसके बाद एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है USB चार्जिंग केबल, ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं बाइक में बिकॉज इट्स ए लॉन्ग केबल। एंड ये वाला एक वायरलेस वाला अडेप्टर दिया गया है, सो जस्ट टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज अपडेटेड, इसको कनेक्ट करोगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। चलो अभी इसको जो फाइनली भी इंस्टॉल करके देखते हैं कैसे क्या इंस्टॉल करना है। हमें माइक चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, स्पीकर का साइड वाला चाहिए, ये वाला मेन तार चाहिए, फिर इसको अभी चार्ज करें क्योंकि कल सुबह सुबह राइड है। अब इसको कैसे लगाना है वो देखते हैं। चलो चलो चलो। ओके सो हमारा सामान अभी रेडी है, 50R इज रेडी, स्पीकर्स रेडी, बुश रेडी, माइक रेडी एंड ये जो लगेगा अपना टेप। अभी सबसे पहला काम जो है इसका ये खोलना पड़ेगा पूरा। चलो दोनों तरफ का लाइनर अभी खुल गया है। अभी जो फर्स्ट है ये फर्स्ट इज अपने को साइड में पहले ये लगाना पड़ेगा। चलो हो गया अपना सेना 50R इंस्टॉल। सो दिस इज हाउ इट्स इंस्टॉल। इसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, एक खाली वेलक्रो वाला स्ट्रैप लगा के इसको डायरेक्ट लगा के अंदर से केबल वेबल ले के अंदर से एक माइक भी रेडी हो गया है एंड सेना 50R इज रेडी। अब इसको लेके एक राइट टेस्ट मार के देखते हैं कैसे काम करता है। एंड इसमें ऐसे बहुत सारे मस्त मस्त फीचर्स है, हे गूगल हो गया, हे सीरी हो गया, फिर आप बोल के गाना को पॉज प्ले सब कुछ कर सकते हो, कॉल भी रिसीव कर सकते हो, कॉल को डिसकनेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, एवरीथिंग ऑल ऑफ द स्टफ यू कैन डू विथ वॉइस कमांड जस्ट इनसाइड द हेलमेट वाइल राइडिंग। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट दिस वॉइस कमांड, बोल के आप सब कुछ फीचर जो है आपका चेंज कर सकते हो 50R एंड नॉर्मली इट्स एग्जैक्टली द सेम 50S एज वेल। सो अपना सेना 50R इज इंस्टॉल्ड। अब इसको ऑन करने के लिए आपको ऐसे इसको दबा के रखना है, इसको एक बार दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा। एंड अभी अगर इसको आप ऑफ करना है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक दिस वंस एंड ये गुड बाय बोलेगा एंड ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑन नॉर्मली ऐसे करते हैं, स्विच ऑन के लिए ये बीच वाला आपको दबाना है, इसको दबा के रखना है। स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए बीच वाला दबाना है, इसको एक बार दबाने से स्विच ऑफ। एंड अगर आप इसको पेयरिंग मोड में लेना चाहते हो, पहले इसको ऑन करना है उसके बाद ये वाला जो मिडिल वाला बटन है इसको दबा के रखना है, वो ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फिगरेशन मेन्यू पेयरिंग फिर रीसेट सब आ जाएगा जो चाहिए। उसको ऊपर जाने के बाद इसको एक बार करोगे तो ये ओके, क्योंकि इसका डिस्प्ले विस्प्ले कुछ है नहीं, दिखेगा नहीं, यही सब कुछ होता है। एंड इसका फोन वाला ऐप भी है मस्त वाला, वहाँ से सब कुछ सेटिंग उसको चेंज भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिकली दिस 50R। 50S भी ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली द सेम, बाकी 50S जो है आपको पूरा मतलब उसका किट लगा के लगाना पड़ेगा, वो मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा था। दैट इज द मेन बिग रीजन व्हाई वेंट एंड वेंट फॉर दिस 50R, क्योंकि पूरा सड़ जाता है। ये वो जो छोटा वाला जो मॉड्यूल होता है उसको लगाना नहीं पड़ता है,
अगर आपका मल्टीपल हेलमेट्स है वो आपको लगाना है, देन आपको 50 SE चाहिए, 50R नहीं चलेगा। सो ये दोनों का परचेज वाला लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, जाकर खरीद सकते हो। अगर आपको ये 50S या 50R के बारे में और कुछ भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम एक्चुअली गेटिंग लेट, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।